दोस्तों, मैं दीपक पांडे आज अपने YouTube चैनल इनोवेशन विद दीपक में लेके आया हूँ अग्निवीर यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जीडी यूपीपी से संबंधित कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको लगाने में आप लोगों को काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम न्यून समय में, मिनिमम समय लगेगा 2-3 सेकेंड में आप लोग जल्दी से उसको हल कर लेंगे। जैसे हम सबसे पहले बीज गणित से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जिनको लगाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। ये अग्निवीर से संबंधित परीक्षाओं में, एसएससी जीडी संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए वन अपान ए इज इक्वल टू 5, देन ए क्यूब वन अपान ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो दिया गया आधार है इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे गए आधार का या मान का हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 5 का स्क्वायर 25, यहां पर देखिए घात 3 है, तो यहां पर हम इसको 3 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22। आए हुए मान में दिए गए मान से हम गुणा कर देंगे तो 22 × 5 = 110 होगा। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार यदि हम यहां पर रख दें 8, तब आपकी वैल्यू पूछा जाए तो 8 यदि रखे हैं तो 8 का वर्ग कर देने पर हमारा क्या होगा, 64 प्राप्त होगा। 8 का वर्ग प्राप्त हो गया हमको 64, यहां पर घात दी गई है 3, यहां पर इसको माइनस कर लेते हैं तो 64 में से 3 माइनस किया आपको प्राप्त हो गया 61, 61 का आप 8 गुणा कर लीजिए, 8 × 8 = 48, 488 आपको प्राप्त हो गया। यदि दिए गए प्रश्न में यदि आपका यहां पर माइनस कर दिया जाए, माइनस करने का मतलब होता है 1 − 1 / a की वैल्यू यदि 5 दे देता है और यहां पर हमको a क्यूब प्लस 1 / a³ की जगह हम यहां पर माइनस रख लें तो हमारी वैल्यू क्या होगी। तो माइनस में हम करेंगे क्या, दिए गए मान का आप वर्ग कर लीजिए तो आप हम वर्ग कर लेते हैं तो 5 का वर्ग करने पर हमारा कितना प्राप्त होगा है 25, यहां पर माइनस है, यहां की घात 3 है तो हम प्लस वाले में माइनस कर देते थे, यहां पर हम इसको 3 कर देंगे तो आपका 25 में 3 ऐड कर दिया तो हमको 28 प्राप्त हुआ। आए हुए मान का 5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 10, 4 = 14, हमको प्राप्त हो गया 140। यही आधार यदि हम यहां पर 7 रख दें तब वैल्यू पूछा जाए आपसे तो 7 का वर्ग कर देंगे आपका निकलेगा 49, आए हुए मान में 3 प्लस कर देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 52, आप 7 से गुणा कर दीजिए आपको उत्तर प्राप्त होगा, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 1 = 36, 364 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, संबंधित प्रश्न होने के बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो अग्निवीर से संबंधित या यूपी ट्रिपल एससी एसएससी जीडी या यूपीपी में अदर एग्जाम में पूछा जाने वाला गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से हम लोग 1 से 100 तक के मध्य संख्याओं का वर्ग प्राप्त करेंगे। तो संख्याओं का वर्ग कैसे प्राप्त करना है हम लोगों को, यहां से देखिएगा, जब आधार और इकाई, इकाई और दहाई से मिलकर के बनी संख्या दी जाए, जैसे हमने लिख दिया है 56, तो 56 का हमको वर्ग ज्ञात करना है तो 56 में बना है 5 और 6 से मिलकर के बना हुआ है तो यहां से देखिएगा 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, आए हुए मान में दोनों का देखिए यहां पर घात कितनी है 2 है तो 6 × 5 = 30, आए हुए मान का हमेशा 2 गुना करें क्योंकि यहां पर घात 2 है तो 2 गुना करने पर हमको प्राप्त हो गया 60। यहां पर 1, 2, 3, 4 आधार है, आपको 2 आधार लेना है, 2 आधार यहां पर आप भर दीजिए, 6, 3, 6, 5, 11, 2, 1, 3, 3136 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, जैसे हमको निकालना है 76 का वर्ग, तो 76 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 6 लिखते हैं, 6 का वर्ग हमारा 36 प्राप्त होता है, 7 का वर्ग हमारा 49 प्राप्त होता है। आए हुए मान का देखिए 6 × 7 = 42, 42 × 2 आपका होता है 84, तो आप यहां पर उठा करके इन दोनों को भर दीजिए, 8 और 4 = 6 हो गया, 4 × 3 = 7 हो गया, 9 × 8 = 17 हो गया, 4 × 1 = 5 हो गया, हमको 76 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 5,776 हमको 76 का वर्ग प्राप्त हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोगों को आपको ज्ञात करना है 57 का वर्ग, तो 57 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 7 लिख देते हैं, 5 का आपका प्राप्त होगा 25, 7 का प्राप्त होगा 49, दोनों का गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 2 × 2 = 70, 70 यहां पर हम लोग भर देते हैं तो ये हो गया 9, ये 4, ये आपका 7, 5, 12, 2 और ये 2, 1, 3, हमको 57 का वर्ग 3249 प्राप्त। जब इकाई का अंक 5 हो, 1 से 100 के मध्य में
उन संख्याओं का वर्ग हम प्राप्त करेंगे जिनका इकाई का अंक 5 होता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे आवश्यक आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जैसे हमारा लिखा है 15, 15 का हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना यह है कि इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो 5 का वर्ग हमारा होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 प्राप्त होता है। तो एक से बड़ी एक संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती, तो इनका उसी में गुणा करें, 2 × 1 = 2, तो हमारा प्राप्त क्या होता है, 225 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ले लेते हैं 45, तो 45 का हमको वर्ग ज्ञात करना होगा। तो 5 का वर्ग होता है 25, 4 से एक बड़ी संख्या होती है 5, 5 × 4 = 20, तो 45 का वर्ग हमको प्राप्त हो गया, 2025 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम ले लेते हैं 65 का वर्ग, 65 का वर्ग यदि पूछेगा तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 से एक बड़ी संख्या हमारी होती है 7, 7 × 6 = 42, हमको 65 का वर्ग प्राप्त हो गया 4225। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 95 का, तो 95 का वर्ग हमको निकालना होगा, तो 5 क्या होता है 25, और 9 से एक बड़ी संख्या हमारा होता है 10, 10 × 9 = 90, 9025 हमको प्राप्त हो गया। जब इकाई का अंक 5 हो, 1 से 100 के बीच में उन संख्या का जो इनका इकाई का अंक 5 हो। साथियों अगला वीडियो हमारा घनमूल निकालने और घन प्राप्त करने के लिए होगा। हमारे वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए पूरा प्रक्रिया आप देखिए, और आगे नई जानकारी प्राप्त करने के लिए इनोवेशन विद दीपक चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको नई वैकेंसियों और गणित संबंधी, रीजनिंग संबंधी, जीएस और हिंदी संबंधित आपको नए नए चैप्टर और जानकारियां प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।